बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर। आमिर किचन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कच्चा खोआ, जो हम आपको बनाना सिखाएंगे और उसी के साथ बाद में हम बर्फी भी बनाएंगे। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं हम, चलें जी। तो दोस्तों, हमने लिया है इस खोए के लिए 5 किलो दूध, जिसको हमने डाला है गोल कढ़ाई में। जब तक दूध को उबाला नहीं आता आप इसको हिलाते रहेंगे दो तीन तीन मिनट बाद। तो दोस्तों, हमारे दूध को उबाला आ गया है। दूध डालने से लेके बनने तक आपने उसको हिलाना लाजमी है, आपने हाथ को रोकना नहीं है। जहां पर आप हाथ रोकेंगे ये नीचे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें यहां पर ये रबड़ी तैयार हो चुकी है हमारी। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये हमारा कच्चा खोआ तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसको आपने बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है, हिलाते रहना है। जैसे ही आप हाथ को रोकेंगे तो ये नीचे लग जाएगा, तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप आंच हल्की कर लीजिएगा जब भी आप इसको बनाएं। मैंने भी आंच हल्की कर दी। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा कच्चा खोआ बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। देखिए दोबारा का, तो ये इस शेप से बनेगा जी। जब इतना गाढ़ा हो जाए कि आपके चम्मच पर लग जाए और ना गिरने लगे, तो आप इसको उतार लेंगे। ये देखिए, फिर जब आप इसको जमाएंगे थोड़ी देर के रख देंगे, तो ये उसी शेप में आपको मिलेगा जिस शेप में आप दुकान से खरीदते हो। तो अब हम इसकी बनाएंगे बर्फी। तो व्यूअर्स, हमारा खोआ देखिए बिल्कुल तैयार हो गया और हमने आधा निकाल लिया है जेला बनाने के लिए और आधे के साथ हम बनाएंगे बर्फी। अब ये है हमारे पास 500 ग्राम मतलब आधा किलो। इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी और इसे पकाएंगे। इसको आप हिलाते रहना, रोकना बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रेंड, जब आपकी चीनी शुगर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर, तो इसको 5 से 10 मिनट और हिलाना है। हिलाते ला भी रहना ताकि नीचे ना लग जाए। दूध का कोई भी काम हो वो हिलाया बगैर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि दूध हमेशा नीचे लग जाता है। तो दूध हमारी बिल्कुल तैयार होती है। अब हम साथ साथ इसको ठंडा करेंगे और साथ साथ जो है ना इसकी जो छोटी छोटी गुटियाँ होती है ना इसके अंदर, उनको हम तोड़ेंगे ऐसे ऐसे करके। तो हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स देखें, हमारी बर्फी बिल्कुल तैयार है। ये हमने इसमें डाल ली है, अभी थोड़ी सी ये नरम है, तो इसे ठंडा करने के बाद आप इसे जो चाहे शेप दे के इसे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सब फैमिली मेम्बर में इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।